ओम शांति। मुरली का तारीख है 22/9/2020। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुराने काल से ममत्व निकालते जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप पेट बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं अंत तक, जब तक हम शांतिधाम पहुंचे। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है, वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं, या पतित दुनिया है, इनमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, या भी लिखना है डीटी सावरंटी, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस्तु एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यहां भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही है एक का, वहां भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेते हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना या बहुत दूरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, या भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वहां तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? या है ही नरसे नारायण बनने की पढ़ाई, या पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, या तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कहीं तो फिर पतित मनुष्यों की भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना।
कहा या पतित मनुष्यों का या कोई देवता तोड़े ही है तो बाप समझाते हैं इन बातों पर टीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिकट चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मनाबो का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही तोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत तोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रेस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम ऐसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन या चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वहां ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना ना सके। वहां आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं सौ भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, हजार भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही है पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामे कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंछ पड़ते हैं बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे। याद की यात्रा में ना रहे तो वहां क्या पद पाएंगे। बल सरेंडर है परंतु उससे क्या फायदा। जब तक पुण्यात्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना तोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजदारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसीलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में तोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर है। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ तोड़े ही झूल सकेगी। यहाँ बहुत समझने की बातें है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। तोड़े में कुछ नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे। ऐसे तो फिर देर राजा ये बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सत्युग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। यहाँ पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, या तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वहां तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यहाँ पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। जीते जी मरे तो हो परंतु जबकि आत्मा भी पवित्र बने ना। पवित्र बन फिर या पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहां कर्मातीत अवस्था हो जाए तो या शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम
बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी काल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नए काल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंचाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ बल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं या दुनिया याद रहती है, वहां क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। या पाप किए हैं, अब कावो सजा, पद भी देखो। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं, शिव भगवान वाच। जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे, तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, वहां कभी विनाश होने का नहीं है। या समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, या मृत्युलोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं। फर्क कुछ नहीं, लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना। अकाल मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाल मृत्यु आपे ही ले आते हैं, या मंजिल बड़ी ऊंची है। कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत दूरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक तोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहुत दूरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे, तब वहां शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्मा जीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वहां है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा।
सीधा शांतिधाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहुत दूरी दिखानी, डरपोक नहीं बनना है। सेकेंड पॉइंट, जीते जी मरने के बाद या अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्यात्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है, स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। उसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ या नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, या गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसीलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, ओम शांति।